तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और जब ये वीडियो मैं बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, उस समय गुड नाइट था, गुड इवनिंग था एक्चुअली, बट अभी मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ और गुड मॉर्निंग है इसलिए गुड मॉर्निंग। तो दिन की बात करते हो तो दिन था गुरुवार, और गुड्डू के लिए मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। ऑप्शन में दी थी उनको दो तीन ऑप्शन में। गुड्डू बोले कि मैं लौकी की सब्ज़ी ही खाऊंगा, एक मेरे लिए बनाना है तो लौकी बना दो। तो मैं थोड़ा सा राई, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ, ये तीनों मिक्स की और एक हरी मिर्च डाली, फिर लौकी डाली, फिर नमक हल्दी डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके कुकर को सेट कर दी। और जैसे आप सबको पता है मेरा गुरुवार है, और गुरुवार के दिन मैं आलू का भुजिया खाती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे DM में आते हैं। कल नेहा रस्तोगी मैम का आया था कि मैं आपका देख करके आलू का भुजिया बनाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे और एक गुजराती हैं, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, उनका भी आया था कि मैं आलू का भुजिया बनाई हूँ आपका, आलू का भुजिया देख देख करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इस तरह के DM मुझे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखिए हो, कद्दू बना है, मतलब दूधी बना है, और आलू का जो है वो भुजिया बनाई थी, क्योंकि आज गुरुवार है तो वो आज वही बना है। मीन्स मैं अपना आलू का भुजिया खा चुकी, और गुड्डू जो है वो दूधी की सब्ज़ी यानी लौकी की सब्ज़ी और फुलका खाए हैं, और खा करके सोने गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30, खा चुके थे गुड्डू, डिनर कर चुके थे, अभी हो रहा है 12:05 हो रहा है, और मैं आप लोगों के साथ अभी बात कर रही हूँ। किचन का पूरा काम खत्म हो गया है, पूजा का बर्तन वगैरह सब धो करके रख दी हूँ। आज ऐसा हुआ है कि आज मेरी पूजा गुरुवार के दिन, क्या डेली मेरी पूजा 7:30 to 8 o'clock के बीच में हो जाती है, बहुत लेट हुआ तो 11 o'clock हो जाता है। बट अगर पीरियड्स के दिन नहीं है तो, पीरियड्स में तो भाई पूजा ही नहीं होती है ना 5 दिन, बट नॉर्मली बहुत लेट हुआ तो 11 o'clock में नहा करके और पूजा करने बैठ जाती हूँ। बट आज मेरी पूजा हुई है कितने बजे, 5 o'clock हुई है शाम में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लो साउंड कर रही थी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, इसलिए आज पूजा नहीं की। उसके बाद आज वीडियो अपलोड, कल एडिट वगैरह सब होकर के वीडियो अपलोड वगैरह का हो गया था, तो आज देखी भी नहीं, कमेंट्स को भी बस अपलोड की उस समय जो रिसेंट में कमेंट आ गए उन सबको देखी, बाद में फिर कमेंट वगैरह को भी नहीं देखी। शाम में फिर बैठ करके वही देख रही थी, तो नेहा रस्तोगी मैम सही गेस की थी कि आपकी तबीयत सही नहीं है, कि आप पूरे ब्लॉग में बहुत लो लग रहे हो। तो हाँ, बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, मैम फिजिकली नहीं थकती हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। हम लोगों का वही होता है ना, फिजिकली नहीं थकते, मेंटली ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि सब काम होता है ना, घर का भी काम होता है, प्लस यूट्यूब भी है। अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप तो इस फील्ड में हो तो आपको तो ये तो करना पड़ेगा, आप इस फील्ड में आने के पहले सोचना चाहिए था, इस फील्ड में आए हो तो आपको कमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कमेंट को फोकस करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को भी आपको चेक करना पड़ेगा, दिस करेगा डैट करना पड़ेगा। बट हम भी इंसान ही हैं, रोबोट तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, और इस कारण कभी, मतलब आप समझो ना, हफ्ते में 7 दिन में ऐसा होता है कि कभी कभी 1 से 2 दिन होता है मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होती हूँ, और एकदम इच्छा नहीं होती हूँ कि मोबाइल और ये सब को देखूँ भी मैं। तो वो जो 1 या 2 दिन होता है उस दिन मैं शॉर्ट्स जो है अपलोड करती हूँ। और एक आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और ये बात सिर्फ आप जान रहे हो, अब आप जान रहे हो तो मतलब सब लोग जानेंगे, नहीं तो घर में अभी तक सिर्फ मैं जानती थी, गुड्डू जानते थे और गोल्डी जानती थी, और कोई नहीं, अंशु भी नहीं जानता है इस बात को। बट वो अब जो अभी तो एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी है, तो अभी मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहा है, बट जब वो ब्लॉग देखेगा तब उसको, जब यहाँ आएगा तब उसे पता चलेगा। अभी 2-3 दिन से, तो मोस्टली 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग को भी शौक लगेगा, मेरा जो चैनल है वो हैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जी जान लगाया जा रहा है मेरे चैनल को हैक करने के लिए। और मैं ट्विटर पे ट्वीट भी की हूँ, यूट्यूब इंडिया को भी, अभी मुझे मेन यूट्यूब को ट्वीट करना है, वो मैं अभी जो है वो कल करूँगी, और यूट्यूब इंडिया को तो की हूँ, बट मेन यूट्यूब को करना ज़रूरी है मुझे।
तो वो हैक करने का इतना अलग अलग तरीका है, इसके ऊपर मैं एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप यूट्यूबर हो और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में आए कि जो यूट्यूब पे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आपके चैनल हैक होते हैं, वो भी एक तरीका नहीं है, एक नया तरीका आया जो मेरे साथ हुआ था। और समझो कि 98% ऐसा हुआ था कि मैं उस टाइम में ब्लैंक हो गई थी, और वो 2% में भगवान ही उस समय मेरे दिमाग में लाए कि उस समय मुझे क्या करना है। और मैं सडनली जो है उस समय वो जो डिसीजन ली वो परफेक्ट डिसीजन हुआ। और मैं उस समय एकदम सिविर कर रही थी, सीरियसली मैं एकदम बहुत ज़्यादा सिविर कर रही थी कि अगर मुझसे ये हो जाता तो बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, पूरे 6 साल के मेहनत में नेचुरल ब्यूटी विद छवि चैनल को जो है आज जो है मेरी जो अपनी जो नेचुरल छवि, नेचुरल ब्यूटी विद छवि है, वो चैनल इस मुकाम तक आया है। तो वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मतलब वीडियो बनाने की इच्छा हो चाहे नहीं हो, मैं कितनी भी बुखार में भी रही हूँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे फीवर रहा हो, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, फीवर रहा हो या फिर मुझे हेडेक हो रहा हो, बैकएक हो रहा हो, तो भी मैं बैठ करके वीडियो बनाती हूँ, जॉब है तो। या फिर अगर मुझे कभी कभी लगता है कि पूरे महीने में एक बार भी मुर्गी नहीं मारी हूँ, एक बार भी मैं आप लोगों को मतलब एक बार भी पूरे महीने में ऐसा हुआ है कि एक बार भी वीडियो मैं मिस नहीं की हूँ बनाना, तो ऐसा होता है कि 20 दिन हो जाते हैं, तो फिर मैं महीने में 2 या 3 बार होता है कि मैं बोलती हूँ कि नहीं आज रियली लो साउंड करते होती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगी। जैसे आज मैं इतना हिल गई थी ना यूट्यूब के हैकर लोगों के कारण, और वो मेरा चैनल जाते जाते आज भी था, अभी वो कितने दिन तक वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान उस चैनल के ऊपर लगाए हुए हैं। और एक और चैनल है जिसके ऊपर जी जान लगाए हुए हैं, एक्चुअली 2 और चैनल है, एक छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जी जान लगाए हुए हैं वो, तो ये 2 चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जी जान लगाए हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी के लिए मैं बहुत डर गई थी, और क्या ही मैं बताऊँ, आज भी सुबह आया था और क्या ही मैं बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को, एक पेड़ होता है जिसको आप गार्डन में लगाते हो उसको काटने का मन नहीं होता, एक एलोवेरा मैं अपने गार्डन में लगाई हूँ, कभी उसको काट करके मैं चेहरे के ऊपर नहीं लगाती, बाल के ऊपर नहीं लगाती, वो ऐसे आरा टेढ़ा ऐसे ऐसे होकर के निकला हुआ है, वो फीलिंग मेरी कि उस पेड़ के साथ जगी हुई है मुझे नहीं पता। मेरे पापा भी कहते हैं ये बेटा एक पेड़ है, इसको यहाँ से कट कर दो, बहुत टेढ़ा आरा जा रहा है, बट वो पेड़ है उसको काटने के लिए ही है, बट मेरा एक है नहीं नहीं ऐसे करके। मैं आप लोगों को भी कितने बार बोली हूँ कि उस पेड़ को कट कर दूंगी, बट अभी तक मैं कट भी नहीं की हूँ, तो मन नहीं होता। और जिस चीज़ को आप इतना प्यार से, मोहब्बत से, इतना आप बड़ा करते हो, उसको अगर कुछ अगर छीनने की कोशिश करे तो बहुत शॉकिंग। तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह मैं बची हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट कोई बात नहीं, इस सब चलो कोई नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो मैं फाइनली मतलब थोड़ा सा शाम के बाद से थोड़ा सा मतलब ठीक फील कर रही थी कि बाप रे अभी अगर एक मुझसे गलती हो जाती तो क्या हो जाता ऐसे करके। तो आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को बताना बनता है, और ये भी चैनल है, अभी शायद उनके नज़र में नहीं आया है ये चैनल, तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, यही वाली बात है दोस्तों। और कल है 6 दिसंबर, और कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो ये तो आज मैं थर्सडे को बना रही हूँ 5 दिसंबर को, बट आप मुझे आज विश कर सकते हो क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और आप लोग मुझे विश कर सकते हो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोल सकते हो। और बहुत सही ईयर में मैं घुस गई हूँ शादी के, मतलब इतने साल बिताना एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में, तो बट वो नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगी, नंबर सरप्राइज रहने देती हूँ, और नंबर रिवील होगा आप लोगों को, जरूर रिवील होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए, बट अभी बहुत अच्छे, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, वो मोमेंट ऐसा होता है लाइफ में, बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ के लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हो, तो सारे फेज को आपको क्रॉस करके, और फिर आप जब एक टाइम पे आता है और जब आप ईयर देखते हो तो फिर आप कहते हो कि अच्छा, तो अभी मैं गुड्डू को वही बोली हूँ कि गुड्डू इतने साल हम दोनों एक दूसरे को झेल लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि 100% आपका
माइंड अपने हस्बैंड के साथ एकदम उसकी बात से आप 100% एग्री करते हो या हस्बैंड आपके बात से 100% एग्री करता है, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत रेयर ऐसा होता है जो कि किसी एक पॉइंट पे दोनों का थॉट जो है वो मिल जाता है, नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ चलो ये ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, बोलते हैं ओके चलो ये ठीक है चलो ये करते हैं। तो कभी हस्बैंड की बात होती है, कभी वाइफ की बात होती है, कभी ऐसा होता है कि दोनों की बात रह जाती है। तो ये बात है, बट ये पूरा ऐसे बीतते बीतते इतने साल जो है सो कि एक दूसरे के साथ बिताई हूँ तो अच्छा लग रहा है ना, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। उतार चढ़ाव तो लाइफ में लगा ही रहता है, कभी खुश कभी दुख, कभी गम कभी दिस कभी दैट। पर चलिए इस बार बच्चों के बिना मना रही हूँ मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या ही मनाऊंगी। गुड्डू कहे कल होटल में चलते, मैं बोली होटल में नहीं जाऊंगी, बाहर से खाना मंगाऊंगा, मैं बोली कि नहीं मंगाऊंगी। अभी अंशु गोल्डी आने ही वाले हैं, जब वो लोग आएंगे तब जो भी होगा होगा। अभी हस्बैंड वाइफ के लिए क्या ही करना है, कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं घर पे खुद बनाऊंगी। तो वही है, जो भी होगा घर पे मैं खुद बनाऊंगी। अब कल क्या बनाऊंगी वो तो आप लोग देखोगे, है ना। अगर ब्लॉग की तो, अगर नहीं की तो पता नहीं, अगर मूड में आया तो ब्लॉग कल करूँगी, नहीं मूड में आया तो ब्लॉग कल नहीं करूँगी, फुल रिलैक्स करूँगी, फुल चिलैक्स करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आज का ब्लॉग थोड़ा बोरिंग लगा होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, keep supporting.